आईटेल ब्रांड के बारे में तो आप जानते होंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया में और ये नंबर वन मोबाइल फोन ब्रांड है अंडर 5000 रुपीस कैटेगरी में। वैसे आईटेल ने अपना टीवी भी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, 3 टीवीज लॉन्च किए हैं, 32 इंचेस, 43 इंचेस और 55 इंचेस। जो 55 इंच टीवी है वो 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। 43 इंच टीवी जो कि मेरे पास है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये जो टीवी है ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है और जो 32 इंच का टीवी है वो HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। तो तीनों टीवीज पर जो रेजोल्यूशन है वो अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको खास करके आईटेल 43 इंच टीवी के बारे में बताने वाला हूँ। देखते हैं कि ये जो टीवी है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे ये एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, देखते रहिए। तो ये है आईटेल 43 इंचेस का स्मार्ट टीवी जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये जी सीरीज का है और मॉडल नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, 2.4 GHz वाईफाई के साथ में आता है, HDMI पोर्ट्स दिया हुआ है दो, मेड इन इंडिया, 2 साल की वारंटी आपको पैनल पर मिलती है और ये जो टीवी है ये 3-star पावर रेटेड है और ऑफकोर्स ये नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले सपोर्ट करता है। ये एक एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है। बॉक्स पे एक QR कोड दिया हुआ है, उसे स्कैन करके आपको आफ्टर सेल सर्विस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसका सेटअप कर देता हूँ। तो बॉक्स में ये 43 इंचेस का टीवी है। इसके अलावा ये प्लास्टिक स्टैंड दिया हुआ है, एक पावर कॉर्ड, AV केबल, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड, वॉल माउंट किट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे वॉल माउंट कर सकते हैं। और वॉल माउंट के लिए ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, कुछ स्क्रूज दिया हुआ है स्टैंड को लगाने के लिए और ये रिमोट दिया हुआ है, एक तरह से ट्रेडिशनल टाइप का रिमोट है, बहुत सारे बटन्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले के लिए डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है और ये जो गूगल असिस्टेंट है उसके लिए भी ये स्पेशल बटन दिया हुआ है। और आखिरी चीज़ जो आपको बॉक्स में मिलने वाली है वो है ये AAA बैटरीज। पीछे से ये टीवी इस प्रकार का दिखता है। जो फिनिशिंग है ये काफी अच्छा है। यहाँ पर पावर इन का पोर्ट है और यहाँ पे लिखे AV इन पोर्ट है, एंटीना पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स दिया हुआ है, 2 HDMI पोर्ट्स दिया हुआ है, ये है डिजिटल ऑडियो आउट और ये है LAN पोर्ट वायर्ड इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। स्टैंड पे काफी बढ़िया लग रहा है। और थिकनेस की अगर बात करें तो ये जो टीवी है ये देखिए इतना थिक है। आगे आईटेल का लोगो दिया हुआ है। चलिए अब ये जो टीवी है इसे मैं ऑन करता हूँ। तो इस टीवी का मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो इस टीवी को मैंने सेटअप कर दिया है और इस प्रकार का इंटरफेस है जैसा कि आपको दूसरे एंड्रॉयड टीवीज पर मिलता है। ये स्टैंडर्ड इंटरफेस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और मल्टीमीडिया प्लेयर, YouTube के वीडियोस भी आप इस पर प्ले कर पाएंगे और अगर आपको एडिशनल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, गूगल प्ले, गूगल म्यूजिक और गूगल प्ले स्टोर का भी ऑप्शन है। अब क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी है तो जो एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर पाएंगे वो टीवी कंपैटिबल एप्लीकेशंस होंगे। यहाँ पर आपको रिकमेंडेशंस भी मिलता है, जो बेस्ट सीरीज़ है या जो मूवीज़ है जो पॉपुलर है नेटफ्लिक्स पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका लिस्टिंग यहाँ पर दिया हुआ है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ये 43 इंचेस का टीवी है और ये 2.4 GHz वाईफाई सपोर्ट करता है। वैसे इस टीवी का रेजोल्यूशन है फुल HD और ये देखिए ये एंड्रॉयड वर्जन 9 एंड्रॉयड पाई रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और ये डोल्बी ऑडियो भी सपोर्ट करता है। इसमें 1 GB रैम है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है और ऑफकोर्स क्रोमकास्ट बिल्ट इन है जो कि बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये देखिए ये है यूट्यूब वीडियो और यहाँ पर मैं मेरा ही वीडियो प्ले कर रहा हूँ। वैसे ये जो टीवी है इसमें 12 watts के 2 speakers दिया हुआ है तो साउंड क्वालिटी भी आप चेक कर पाएंगे। वैसे रिकॉर्डिंग मेरा माइक्रोफोन कर रहा है और आप अपने डिवाइस पर सुन रहे हैं तो एक्चुअल साउंड क्वालिटी है वो आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन कुछ हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे जो डिस्प्ले है ये 400 nits ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। और जो ब्रांड है इसने काफी बार मार्केट को डिस्टर्ब किया हुआ है। चलिए मैं आपको जो नेटफ्लिक्स का वीडियो है वो थोड़ा सा प्ले करके बता देता हूँ। देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो बार आपको दिख रहा है वॉल्यूम मैंने काफी लो रखा हुआ है। इसका जो वॉल्यूम है ये काफ़ी लाउड है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो व्यूइंग एंगल्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके लोग 4K टीवीज़ पसंद करते हैं और अगर आपने 4K टीवी का उपयोग किया होगा तो जो फुल HD टीवी है वो आपको इतना बढ़िया नहीं लगने वाला है, मतलब कि जो क्वालिटी है उस लेवल की नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कभी 4K टीवी यूज़ नहीं किया है तो जो फुल HD है उसकी क्वालिटी आपको बढ़िया लगने वाली है।
यहाँ पर जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है फुल एचडी के हिसाब से। तो जो आइटल का टीवी है इस पर डीएलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये क्वाडको पावर्ड है, 1 GHz पर क्लॉक किया हुआ है। माली 470 MP3 GPU का उपयोग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एंड्रॉइड 9 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, 24 W का स्पीकर दिया हुआ है जिसकी जो साउंड आउटपुट है काफी लाउड है, और ये क्रोमकास्ट भी सपोर्ट करता है। और इस टीवी के साथ में आप गेम्स भी खेल पाएंगे, टीवी गेम्स। अगर आपके पास कोई गेम पैड है, ब्लूटूथ गेम पैड, उसे आप टीवी के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है आइटल का नया 43-inch एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी, और इसका प्राइसिंग है 28,499 rupees। वैसे टीवी तो अच्छा है और जो परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मार्केट में मुझे लगता है कि और भी बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको क्या लगता है कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। ये जो टीवी है ये आपको कैसा लगा, और खास करके इसका जो प्राइसिंग है ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।